हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के कैंसिलेशन के बारे में। तो ये जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर अनाउंसमेंट, ठीक है, तो क्या अनाउंसमेंट है आप ये नीच को जाकर के एक बार डीएनए पे पढ़ लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि ये अनाउंसमेंट क्या था। देखो, उन्होंने यही कहा, मैं आपको बिल्कुल कम समय में और इजी लैंग्वेज में समझा देना चाहता हूँ कि हम लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं पर डे जो स्टूडेंट हैं वो लोग कैंपेन चला रहे हैं कि #SaveCBSEStudent और #SaveStateBoardStudent और कैंसिल क्लास 12 एग्ज़ाम। मतलब पर डे जो है सोशल मीडिया पे ये चल रहा है। तो उन्होंने फिर बताया कि जो हम लोग बनाए मतलब पूरी तरह से को भी स्टूडेंट की सेफ्टी की चिंता है, बट अभी तक इस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। आप यहाँ पे एक बार देख सकते हो, हाँ, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हैज़ इशू ए क्लैरिफिकेशन सेइंग नो फाइनल डिसीजन हैज़ बीन टेकन ऑन कैंसिलेशन ऑफ ए सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम। तो उन्होंने कहा है कि अभी तक इस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है, इस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है और इस पर हम लोग जल्द ही मतलब कोई डिसीजन लेंगे। तो इसके लिए उन लोगों ने कहा है कि सीबीएसई का जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि cbse.gov.in है, आप एक बार जाकर के गूगल पे चेक कर सकते हैं। तो आप लोग जो है उसी पर सीधा जा कर के बने रहिए, आपको कहीं और भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और इस पर हम लोगों ने कोई भी डिसीजन नहीं लिया है और तो वो सीधा ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आएगा, ठीक है। तो यही एक छोटी सी अपडेट थी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स।